हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स देखो में। दोस्तों, विश्व में फुटबॉल के बाद क्रिकेट को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है और किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन इस क्रिकेट के खेल में सबसे ज्यादा पैसा भी खिलाड़ियों को मिलेगा। दोस्तों, आज के समय में हर एक बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है। उसने एक ना एक बार अपने जीवन में जरूर सोचा होता है कि वह क्रिकेटर बनेगा। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि उसे पता होगा कि क्रिकेट में काफी पैसा भी है। दोस्तों, जैसे कि विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी आज के सबसे ज्यादा कमाने वाले क्रिकेटरों में शुमार भी हैं। आज के समय में दोस्तों सभी टॉप टीमों के खिलाड़ियों को लाखों रुपए सैलरी मिलती है, जबकि कप्तानों को भी लाखों और करोड़ों रुपए में सैलरी दी जाती है। हालांकि दोस्तों, कुछ टीमें अपने कप्तानों को बहुत ज्यादा सैलरी देती हैं, तो वहीं कुछ टीमें अपने कप्तानों को ज्यादा सैलरी नहीं दे पाती हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 60 टीमों के कप्तानों की सैलरी के बारे में और आपको बताएंगे कि कौन सी टीम का कप्तान कितने रुपए कमाता है। दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली से भी ज्यादा एक देश के कप्तान को सैलरी मिलती है। इस वीडियो में हमारे साथ आखिरी तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस लिस्ट में सातवें नंबर पे आता है पाकिस्तान के बाबर आजम और अजहर अली का नाम। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में पिछले कुछ समय में काफी परिवर्तन देखने को मिला है। हालांकि दोस्तों, विश्व कप से पहले पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट के लिए कप्तानी सरफराज अहमद के पास थी, लेकिन अब उनके लिए यह सीमित ओवर के फॉर्मेट की कप्तानी बाबर आजम को मिल गई है, तो टेस्ट में अजहर अली को दे दी गई है। ऐसे में दोनों कप्तानों की सैलरी अलग अलग है। वैसे तो दोस्तों, पाकिस्तान के कप्तानों को ज्यादा सैलरी मिलती नहीं है। उनके लिए T20 में बाबर आजम की सैलरी 6.6 लाख रुपए पर ईयर है, तो वहीं अजहर अली की 44.28 लाख रुपए प्रति वर्ष दी जाती है। हमारा छठा नाम है श्रीलंका के कप्तान दिमुथ करूणरत्ने। दोस्तों, श्रीलंका क्रिकेट टीम की कप्तानी इस समय दिमुथ करूणरत्ने के हाथों में है। आपको बता दें कि दिमुथ करूणरत्ने इस समय दो फॉर्मेट में, वनडे और टेस्ट में कप्तानी संभाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ T20 फॉर्मेट में श्रीलंका के पास मौजूद समय में कोई भी कप्तान मौजूद नहीं है, क्योंकि मलिंगा ने अपनी कप्तानी छोड़ दी है। अगर बात करें श्रीलंका टीम के द्वारा कप्तान को कितनी सैलरी दी जाती है, तो उन्हें 77 लाख रुपए सालाना दिए जाते हैं और फिलहाल इस टीम में T20 के सैलरी को लेकर कोई बातचीत नहीं चल रही है। हमारा पांचवा नाम है दक्षिण अफ्रीका के कप्तान क्विंटन डीकॉक। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की टीम इस वक्त जबरदस्त बदलाव कर रही है। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका की टीम फाफ डू प्लेसिस की कप्तानी में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से पिछले ही साल क्विंटन डीकॉक को T20 टीम में कप्तानी करने का मौका मिला है और वे वनडे टीम के भी कप्तान है। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका की टीम कप्तान को सैलरी देने के मामले में 2.5 करोड़ रुपए का सालाना वेतन देती है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही क्विंटन डीकॉक को टेस्ट टीम का भी कप्तान बना दिया जाएगा। हमारा चौथा नाम है न्यूजीलैंड के केन विलियमसन। दोस्तों, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की कप्तानी भी एक से एक खिलाड़ियों के पास रही है, लेकिन कीवी टीम के कप्तान केन विलियमसन की कप्तानी में न्यूजीलैंड की टीम काफी लाजवाब प्रदर्शन कर रही है। केन विलियमसन ने विश्व कप में अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया भी था। हालांकि उनकी कप्तानी में टीम का अच्छा प्रदर्शन तो रहा, लेकिन टीम विश्व चैंपियन नहीं बन पाई। केन विलियमसन के वेतन की बात करी जाए दोस्तों, तो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड द्वारा केन विलियमसन को 3.17 करोड़ रुपए सालाना दिए जाते हैं। न्यूजीलैंड की टीम में सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाले मामले में केन विलियमसन नंबर 1 पर आते हैं। फिलहाल टीम अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है, जिससे लगता है कि सैलरी जल्द ही बढ़ा भी दी जाएगी। हमारा तीसरा नाम है ऑस्ट्रेलिया के टिम पेन और एरॉन फिंच कप्तान के बारे में। दोस्तों, विश्व क्रिकेट की सबसे खतरनाक टीमों में से एक मानी जाने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान साल 2018 की शुरुआत के तीनों ही फॉर्मेट के स्टीव स्मिथ हुआ करते थे, लेकिन बॉल टेम्परिंग के कांड के दौरान स्टीव स्मिथ को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने 2 साल का बैन लगा दिया, जिसके बाद टिम पेन को टेस्ट का और वहीं एरॉन फिंच को वनडे और T20 का कप्तान बना दिया गया। बात करें एरॉन फिंच के कप्तानी की सैलरी को लेकर, तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया बोर्ड की तरफ से 4.87 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं, तो वहीं टिम पेन को टेस्ट के लिए 4.87 करोड़ रुपए सालाना दिए जाते हैं। हमारा दूसरा नाम है विराट कोहली, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी में कमाल के प्रदर्शन कर रहे विराट कोहली भारत के लिए तीनों ही फॉर्मेट में कप्तानी कर रहे हैं। विराट कोहली अपनी कप्तानी में भारतीय टीम को लगातार एक के बाद एक सफलता भी दिलाए जा रहे हैं, जिसके बाद उनका दबदबा टीम इंडिया में काफी ज्यादा पैठ बना चुका है। अब विराट कोहली की सैलरी की बात करी जाए, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा खिलाड़ियों पर जमकर पैसे बरसते हैं, तो वहीं विराट कोहली को कप्तान के तौर पर तीनों ही फॉर्मेट में कप्तानी करने के कारण 7 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। जल्द ही BCCI उनकी सैलरी को लेकर बात करने वाली है और हो सकता है, क्या पता, सैलरी भी
बढ़ जाए। हमारा पहला नाम है इंग्लैंड के जो रूट और यॉन मॉर्गन की कप्तानी सैलरी को लेकर। दोस्तों इंग्लैंड क्रिकेट टीम में अलग अलग फॉर्मेट के लिए कप्तान नियुक्त किए जाते हैं। जो रूट को टेस्ट टीम का कप्तान किया गया है तो वहीं ऑयन मॉर्गन को इंग्लैंड की T20 और वनडे टीम का कप्तान बनाया गया है। पिछले विश्व कप में विश्व विजेता रही इंग्लैंड की टीम के कप्तान ऑयन मॉर्गन को जो रूट से कम सैलरी दी जाती है, उनकी सैलरी 2.56 करोड़ रुपए प्रति वर्ष है, तो वहीं दूसरी तरफ टेस्ट के कप्तान जो रूट को 8.15 करोड़ रुपए की सैलरी दी जाती है। तो दोस्तों विराट कोहली से ज्यादा सैलरी जो रूट को बतौर कप्तान मिलती है, यह सबसे ज्यादा सैलरी पाने के मामले में नंबर वन पर आते हैं। तो दोस्तों ये रहे हमारे 7 टीम के कप्तानों की सैलरी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिए सभी क्रिकेट फैंस के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और भी क्रिकेट अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए।